आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं और हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 3 आपका है, चैप्टर नंबर 3 इंडो चाइना या हिंद चीन में राष्ट्रवाद की हम लोग पढ़ाई करेंगे और आज उसकी पार्ट नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे। समझा गया क्या आज पढ़ेंगे? तो आज हम लोग क्लास 10 की चैप्टर नंबर 3 जो है हिस्ट्री में इंडो चाइना या हिंद चीन में राष्ट्रवाद, उसी की पार्ट नंबर 3 की पढ़ाई करेंगे। और आज हम लोग क्या जानेंगे? तो आज जानेंगे फान हुई चाओ और फान चू त्रिन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या जानेंगे? इसके बाद पूर्व की ओर चलो आंदोलन। तो जैसे कि हम हर एक वीडियो में आपको बोलते हैं, जैसे कि हम हर एक वीडियो में आपको बोलते हैं कि क्या करना है, जो बच्चे इसको लिखना चाहते हैं कॉपी में, जो बच्चे कॉपी में लिखना चाहते हैं कि लिख लेते हैं, बाद में कभी भूल गए तो क्या होगा, फिर इसको हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे इसको लिखना चाहते हैं तो अभी इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में एक घंटा हो जाएगा जब हम बताएंगे कि क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। तो अभी इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके फिर उसको कॉपी में लिख सकते हैं। ये साफ साफ आपको दिख जाएगा मोबाइल में, लिखने में कोई परेशानी आपको नहीं होगा। कहीं अगर मान लीजिए थोड़ा छोटा दिख रहा हो, थोड़ा जूम करके कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम साफ साफ आपको दिख जाएगा, इतना बड़ा साइज में हम लिखे हैं कि आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो जो बच्चे लिखना चाहते हैं जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम इसको बताने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे। अब चलिए इसको हम बताना शुरू करते हैं कि फान हुई चाओ और फान चू त्रिन कौन थे, फान हुई चाओ और फान चू त्रिन कौन थे भाई, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि फान हुई चाओ और फान चू त्रिन के विषय में आप क्या जानते हैं, मतलब कौन थे और उनके विचारों में क्या समानता है, क्या अंतर है, उनके विचारों में क्या समानता, समानता में विचार में क्या मिलता है, ठीक है, और क्या अंतर, अंतर मतलब क्या उन दोनों में नहीं मिलता, ये हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले जानते हैं फान हुई चाओ के बारे में। देखिए फान हुई चाओ, आप भी चाओ कैसा मिलान कर सकते हो, इसे ध्यान रहेगा कि टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है फान हुई चाओ। तो फान हुई चाओ कौन थे भाई? तब फान हुई चाओ वियतनाम के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। सबसे पहले यही कहेगा, फान हुई चाओ वियतनाम के बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे जिन पर कन्फ्यूशियस का विचारों का प्रभाव था। अब कन्फ्यूशियस कौन आ गया भाई? तो कन्फ्यूशियस एक आर्मी है, जैसे कैसे फान हुई चाओ भी एक आर्मी है, तो कन्फ्यूशियस भी एक आर्मी है, उनके विचारों का इन पर ज्यादा प्रभाव था, उनकी विचारों का इन पर ज्यादा प्रभाव था। जैसे सबका अपना अपना होता है ना, जैसे हमको तो मेरे ऊपर क्या है, तो विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, इनके विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, ठीक है। तो उसी प्रकार सबको अपना अपना कोई आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं। तो फान हुई चाओ पर कितना ज्यादा प्रभाव था? कन्फ्यूशियस का। कन्फ्यूशियस एक आर्मी का नाम है, कोई समान वस्तु का नाम नहीं, एक आर्मी का नाम है कन्फ्यूशियस। उन्हीं के विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता फान हुई चाओ पर। ये फ्रांसीसी सत्ता के विरोधी थे, फ्रांसीसी सत्ता के क्या थे, विरोधी थे, और इसको समाप्त करना चाहते थे, फ्रांसीसी सत्ता को समाप्त करना चाहते थे। वियतनाम में जो फ्रांसीसी सत्ता था ना, वियतनाम में क्या था, फ्रांसीसी सत्ता था। कौन गुलाम बनाए हुए था? फ्रांस। वियतनाम को कौन उपनिवेश बनाए हुए था? फ्रांस। तो उसी फ्रांसीसी सत्ता को ये समाप्त करना चाहते थे, उसी फ्रांसीसी सत्ता को ये समाप्त करना चाहते थे, और इसके लिए आंदोलन भी चल रहा है। ये क्या किया है? आंदोलन चला है और एक संस्था बनाया। कब? 1903 में एक संस्था बनाया जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी या फिर द्वी टाइम हुई। वहां पे भाषण बोला जाता है द्वी टाइम हुई, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी या फिर द्वी टाइम हुई की स्थापना की। जिक्र है कि बताइए रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो फान हुई चाओ। कब? 1903 में। या द्वी टाइम हुई की स्थापना किसने किया? तो फान हुई चाओ। कब? 1903 में। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया निग्वेन राजवंश, निग्वेन राजवंश के राजकुमार थे कुएन क्वांगबे, क्वांगबे। मतलब द्वी टाइम हुई या रिवोल्यूशनरी सोसाइटी जो टीम बना, संस्था बना, दल बना, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? कौन थे इसके अध्यक्ष? तो नुग्वेन राजवंश के राजकुमार क्वांगबे। किस वंश के राजकुमार? तो नुग्वेन राजवंश के राजकुमार क्वांगबे को इसका अध्यक्ष बनाया गया।
फिर फान भाई चाव पर कन्फ्यूशियस का तो प्रभाव था ही, इसके साथ साथ चीन के एक आदमी थे, चीन के एक समाज सुधारक थे लियांग किचाओ, चीन के एक सुधारक थे लियांग किचाओ थी ना, उनका भी इन पर बहुत प्रभाव था, लियांग किचाओ का भी इन पर प्रभाव था। और इन सब मुलाकात भी की 1905 में क्या किए, लियांग किचाओ से मुलाकात करके उन्हीं के सलाह पर, इन्हीं के सलाह पर एक किताब लिखी जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। किताब का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो जीके यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव पॉइंट यहाँ पे है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? फान हुई चाओ। किनके सलाह पर यह पुस्तक लिखे है? तो लियांग किचाओ। लियांग किचाओ किस देश के थे? तो चीन के थे। कहाँ के थे? चीन के थे। समझा क्या? ये तो फान हुई चाओ के बारे में, इतना समझ आया कि नहीं आया? फान हुई चाओ, फिर से फान हुई चाओ कौन थे? तो वियतनाम के एक राष्ट्रवादी थे। कौन थे? वियतनाम के राष्ट्रवादी, जिन पर किनका प्रभाव था? कन्फ्यूशियस का प्रभाव था। किनका प्रभाव था? कन्फ्यूशियस का। और ये फ्रांसीसी सत्ता के विरोधी थे, उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। फ्रांसीसी सत्ता के विरोधी थे, उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए वो क्या किया? आंदोलन चलाया और एक संस्था बनाया, एक संस्था बनाया, उसका नाम रखे रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। तब ये बनाया बार 1903 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी द्वी टान हुई नाम का एक संस्था बनाया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो नुग्वेन राजवंश के राजकुमार वांग डे, नुग्वेन राजवंश के राजकुमार वांग डे को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया कि भाई आप इसका अध्यक्ष बन गए। ठीक है, इससे पता चलता कि राजतंत्र के समर्थक थे, तब राजा का सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं पता चला कि राजतंत्र के समर्थक थे। आगे इन पर चीन के जो सुधारक थे लियांग किचाओ, उनका भी प्रभाव था। और 1905 में मुलाकात किए और उन्हीं के सलाह पर, किनके सलाह पर? लियांग किचाओ। कहाँ के थे? चीन के। चीन के लियांग किचाओ के सलाह पर 1905 में एक पुस्तक लिखे जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये आ चुका है क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो फान हुई चाओ। परिकर अब चलते हैं दूसरा जो है फान चू त्रिन। फान चू त्रिन उनके बारे में लोग जानते हैं कि फान चू त्रिन कौन थे। तब फान चू त्रिन वियतनाम के दूसरे राष्ट्रवादी थे। फान चू त्रिन वियतनाम में क्या थे? दूसरे राष्ट्रवादी थे। ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरोधी थे भाई, देखिए उल्टा है उनके। ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था के क्या थे? विरोधी। ये क्या थे? समर्थक। ये विरोधी है भाई, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरोधी है। ये राजतंत्र के समर्थक है ना, राजवंश का हेल्प कर रहे हैं, ले रहे हैं नहीं, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के क्या थे? विरोधी थे। और वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए राजा की सहायता लेना नहीं चाहते थे, राजा की सहायता लेना चाहते थे, ये राजा की सहायता लेना नहीं चाहते थे। आए समझ में? राजा की सहायता लेना नहीं चाहते थे, ये राजतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते थे, राजतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते थे। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जो लोकतंत्र होता है ना, गणतंत्रात्मक है ना, जनतंत्र है ना, जनतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहीं में क्या, में उनको क्या था? विश्वास था, आस्था था, मतलब वो लागू करना चाहते थे। कौन सा व्यवस्था? जनतंत्रात्मक व्यवस्था। जनतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर लागू करना चाहते थे, उन्हीं में इनका क्या था? विश्वास था, आस्था था। समझा गया? फान चू त्रिन, फिर से फान चू त्रिन वियतनाम के दूसरे राष्ट्रवादी थे। फान चू त्रिन वियतनाम के दूसरे राष्ट्रवादी थे और ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था के क्या थे? विरोधी थे। फ्रांसीसी सत्ता के विरोधी थे ही, लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था के भी क्या थे? विरोधी थे। राजा की सहायता लेना नहीं चाहते थे और तो राजतंत्र को क्या करना चाहते थे? उखाड़ फेंकना चाहते थे, राजतंत्र को ऐसे खत्म करना चाहते थे। ठीक है, राजतंत्र को खत्म करना चाहते थे। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या था? आस्था था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर लागू करना चाहते थे। तो क्वेश्चन भी यही है कि दोनों के विचारों में क्या समानता? तो समानता यही है कि दोनों फ्रांसीसी सत्ता के क्या थे? विरोधी थे। दोनों के दोनों क्या थे? फ्रांसीसी सत्ता के विरोधी थे। दोनों वियतनाम के ही थे, दोनों वियतनाम के ही राष्ट्रवादी थे और दोनों फ्रांसीसी सत्ता के विरोधी थे, है ना, फ्रांसीसी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। आया समझ ना? वो अंतर क्या है? अंतर यह है कि फान हुई चाओ राजतंत्र के समर्थक थे, राजा की सहायता लेना चाहते थे वियतनाम की आजादी के लिए, लेकिन फान चू त्रिन राजतंत्र के समर्थक नहीं थे, राजतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते थे और राजा की सहायता लेना
नहीं चाहते थे, वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापना करना चाहते थे। सुझा गया क्या अंतर है, क्या समानता है? सुझाया समानता यही है कि दोनों भाई वियतनाम के राष्ट्रवादी थे और फ्रांसीसी सत्ता को यहाँ से खत्म करना चाहते थे। ठीक है, अंतर यह है कि भाई फान गोई चाओ राष्ट्रतंत्र के समर्थक थे, राजा की सहायता लेना चाहते थे वियतनाम की आजादी के लिए, है ना। लेकिन फान सु फेन जो थे राजतंत्र के समर्थक नहीं थे, राजतंत्र के क्या थे, विरोधी थे और राजतंत्र को उखाड़ देना चाहते थे और गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर स्थापित करना चाहते थे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, फान गोई चाओ और फान सु फेन के विषय में आप क्या जानते हैं, उनके विचारों में क्या समानता और अंतर है। अगला क्वेश्चन, पूरब की ओर चलो आंदोलन। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक पड़ा हुआ, पूरब की ओर चलो आंदोलन, पूरब की ओर चलो आंदोलन, पूरब की ओर चलो आंदोलन क्या है ये जानेंगे। तो कहा कि वियतनाम के जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे, वियतनाम का आरंभिक राष्ट्रवादी जो शुरू वाले राष्ट्रवादी, वो चीन और जापान से संबंध बनाकर रखे थे। किससे? चीन और जापान से बहुत ही घनिष्ठ संबंध बनाकर रखे थे। कौन? वियतनाम का आरंभिक राष्ट्रवादी। फिर से, वियतनाम के जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे वो चीन और जापान से घनिष्ठ संबंध बनाकर रखे हुए थे। इसके पीछे दो कारण थे। कितने कारण? दो कारण। पहला कारण ये था भाई, पहला कारण ये था कि दोनों देशों में तेजी से बदलाव आ रहा था, दोनों देशों में तेजी से बदलाव आ रहा था। ठीक है, पहला कारण ये था कि दोनों देशों में तेजी से क्या आ रहा था, बदलाव आ रहा था। और दूसरा कारण ये था कि दोनों देश एशियाई क्रांतिकारी का सर्व स्थली था। एशियाई क्रांतिकारी, एशिया में जहां जहां भी क्रांति चल रहा था, एशिया महादेश है ना भाई, उसमें बहुत सारे देश है ना, तो एशिया महादेश में जहां जहां क्रांति चल रहा था उसके क्रांतिकारी लोग कहां पे बसे हुए थे, यहीं पर। कहां? चीन और जापान में। समझा यार, क्रांतिकारी लोग कहां पे बसे हुए थे, चीन और जापान में। वहां से वो लोग आंदोलन अपने देश में चला रहे थे। हमारे भारत देश के भी, हमारे भारत देश के भी बहुत सारे क्रांतिकारी लोग कहां, जापान, जर्मनी, चीन, ये सब जगहों पे बसे हुए थे। जर्मनी भी गए हुए थे, जर्मनी, जापान, चीन, ये सब भी गए हुए थे और वहां से आंदोलन चला रहे थे। आया समझ ना। तो ये दो कारण था। हुआ क्या कि 20वीं सदी, यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर एक व्यवस्था और था। एक कारण यहाँ पर यह था कि फ्रांसीसी पुलिस से बच करके, फ्रांसीसी पुलिस से बच करके वियतनामी लोग यहाँ पर रह सकते थे और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम चला सकते थे। सुना यार, ये फायदा यहाँ था। क्या यहाँ पर फायदा था? यहाँ पर ये फायदा था कि वियतनामी जो राष्ट्रवादी थे, वियतनामी जो क्रांतिकारी लोग थे, जो वियतनाम में आजादी का क्या कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम चला रहे थे, वो लोग यहाँ पर फ्रांसीसी पुलिस से बच करके रह सकते थे, फ्रांसीसी पुलिस से बचकर रह सकते थे और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम चला सकते थे, उनको कोई नुकसान नहीं था। ठीक है, तो कह रहा कि 20वीं शताब्दी का आरंभिक चरण, मतलब शुरुआत में, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरब की ओर चलो आंदोलन जोर पकड़ने लगा। पूरब की ओर चलो आंदोलन जोर पकड़ने लगा। यहाँ पर कह दिया कि बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी लोग जो है ना, कहाँ पहुंचे, तो जापान पहुंचे। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी लोग कहाँ पहुंचे, जापान, शिक्षा के लिए। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी लोग, वियतनाम के विद्यार्थी लोग कहाँ पहुंचे, जापान, शिक्षा के लिए। यहाँ पर पढ़ाई तो करते ही थे, पढ़ाई के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लेते थे। पढ़ाई के साथ साथ वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लेते थे, आंदोलन यहाँ से चलाते थे। और शुरू में जापानी सरकार को सहायता भी दी। शुरू में जो जापानी सरकार है, जापानी सरकार वियतनामी राष्ट्रवादी को क्या की है, सहायता प्रदान की है। लेकिन आगे चलकर सहायता देना बंद कर दिया, सहयोग देना क्या किया, बंद कर दिया। कौन? जापानी सरकार। कौन? जापानी सरकार। और तो और वो क्या किया, तो 1908 में इन लोगों को भगाना भी शुरू कर दिया अपने देश से भगाना भी शुरू कर दिया। देखिए, फान गोई चाओ और भी बड़े बड़े जो राष्ट्रवादी थे उनको वहां से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, भगा दिया गया। आया समझ ना। शुरू में जापानी सरकार हेल्प किया, शुरू में जापानी सरकार क्या किया, हेल्प किया, लेकिन आगे चलकर जापानी सरकार हेल्प करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, बंद तो कर दिया हेल्प करना, इतना ही नहीं, फिर यहाँ से लोगों को निकाल कर भगाना भी शुरू कर दिया, भगाना भी यहाँ से शुरू कर दिया, भाई भागो यहाँ से। ठीक है, तो फान गोई चाओ और भी जो राष्ट्रवादी थे वो यहाँ से भाग निकल के दूसरे देशों में, चीन और थाईलैंड में शरण लिए। चीन और थाईलैंड में क्या किए, शरण लिए।
वही ना चीन अठारह में समझ गए, चीन के ने कहते हैं यहाँ खिंचाओ जिसे मुलाकात किए थे, आया कि नहीं आया। तो ये था आपका पूर्व की ओर चलना डोर। एक बार मैं फिर से बता देते हैं पूर्व की ओर चलना डोर। पूर्व की ओर चलना डोर में देखिए क्या है कि जो वियतनामी राष्ट्रवादी लोग थे, वियतनामी राष्ट्रवादी लोग थे, वो चीन और जापान से घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हुए थे। चीन और जापान से घनिष्ठ संबंध बनाए हुए थे। दो कारण थे इसके पीछे। पहला कारण कि दोनों देशों में तेजी से बदलाव आया था, दोनों देश तेजी से प्रगति कर रहे थे, तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तेजी से बदलाव आ रहा था। और दूसरा, दोनों देशों में बहुत सारे एशियाई क्रांतिकारी लोग रहते थे। एशियाई क्रांतिकारी लोगों का ये क्या था, सर्वराष्ट्रीय था। लोग एशियाई क्रांतिकारी लोग यहाँ पर रह करके अपने देश में स्वतंत्रता संग्राम चला रहे थे, ठीक है। तो वियतनामी राष्ट्रवादी लोग भी यहाँ पर से आसानी से अपने देश में क्या कर सकते थे, स्वतंत्रता संग्राम चला सकते थे फ्रांसीसी पुलिस से बचकर। फ्रांसीसी पुलिस से बचकर वियतनामी राष्ट्रवादी लोग क्या कर सकते थे, अपने देश में यहीं से स्वतंत्रता संग्राम चला सकते थे, ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम चला सकते थे, इनको कोई दिक्कत नहीं होता था। इसीलिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत बड़ी संख्या में वियतनामी विद्यार्थी लोग कहाँ पहुंचे, जापान। कहाँ पहुंचे, जापान। किस लिए, शिक्षा के लिए। और शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, वो लोग क्रांतिकारी गतिविधि में भी भाग लेना शुरू कर दिए। क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लेना शुरू कर दिए, अपने देश में आंदोलन चलाना शुरू कर दिए। कहां से, जापान से। जापान से अपने देश में स्वतंत्रता संग्राम चलाना शुरू कर दिए। और जापानी सरकार इसकी क्या किया, सहायता भी किया शुरू में। शुरू में जापानी सरकार इसको क्या किया, सहायता भी किया। लेकिन आगे चलकर जापानी सरकार सहायता करना बंद कर दिया। और इतना ही नहीं 1908 में जापानी सरकार इन लोगों का क्या, अपने देश से निकालना भी शुरू कर दिया। तो फान हुई चाओ और बड़े बड़े राष्ट्रवादी लोग यहाँ से क्या हुए, उन लोगों को निकलना पड़ा, उन लोग यहाँ से निकलना पड़ा। और जाके चीन और थाईलैंड में क्या रहना पड़ा, सर जाके चीन और थाईलैंड में इन लोगों को बसना पड़ा। आया समझ। तो ये था आपका पूर्व की ओर चलो आंदोलन। तो दो चीज आ रहे, फान हुई चाओ और फान चुत्री के विषय में आप क्या जानते हैं, उनके विचारों में क्या अंतर और क्या समानता, और पूर्व की ओर चलो आंदोलन जाते, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि फान हुई चाओ के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बस आपको इतना ही लिखना है। फान हुई चाओ के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इतना ही लिखना है। अगर पूछेगा फान चुत्री के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बस आपको नीचे वाला ही लिखना है, फान चुत्री के विषय में, ठीक है। अब विचारों में जो समानता है वो तो बता ही दिए क्या समानता है, और विचारों में जो अंतर है वो भी आपको बता दें। तो आज के इतना ही रख लेते हैं, फिर से मिलते हैं पार्ट नंबर 4 लेकर। अगले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, तो अगले पार्ट में पढ़ने के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक है। हो ची मिन, माली हत्याकांड, अमेरिका इसमें कैसे प्रवेश किया, जेनेवा समझौता, ऐसा बहुत सारा टॉपिक अभी भी बचा हुआ है जो हम अगले पार्ट में बताएंगे आपको। आज के इतना ही रखते हैं, थैंक यू।